अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। और आज हम बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मेथी कीमा मटर आलू की सब्ज़ी। तो आज बहुत ही यमी सालन बनने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आ जाए तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है, उसमें हम डालेंगे हाफ कप ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्ची और दालचीनी के स्टिक्स। इसका फ्लेवर जब ऑयल में आ जाएगा तो उसके बाद हमने दो मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके रखी हैं वो डाल देंगे और प्याज का कलर तब्दील कर लेंगे। ब्राउन नहीं करनी है, सिर्फ थोड़ी सी गोल्डन करनी है। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो ये देखें, यहाँ पे कलर चेंज हो गया है हमारी प्याज का। अब इसमें हम चिकन का कीमा डाल देंगे। आधा किलो कीमा ले लिया था हमने चिकन का, वो हम डाल देंगे इसके अंदर। और कीमे की भी शक्ल हम चेंज कर लेंगे, यहाँ तक इसको हमको थोड़ा सा कुक करना है। कीमे की शक्ल यहाँ पे हो गई तब्दील। अब बारी आ गई है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालने की। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय का चम्मच डालेंगे और नमक डालेंगे 1/2 खाने का चम्मच और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन की महक जो है वो निकल जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। हल्दी जाएगी इसमें 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल पिसी हुई मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल कुटी हुई मिर्च 1/2 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। बस ये सारी चीज़ें डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसकी कर लेंगे भुनाई। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है हमने। इसके बाद 4 टमाटर ले लिए थे हमने, चॉप कर लिए, मीडियम साइज़ के थे और इसके अंदर डाल दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और कवर करके रख देंगे इतने कि टमाटर हमारे गल जाएं। जी जनाब, तो कवर हटा लेते हैं और यहाँ पे टमाटोज गल चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से और थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ी। अच्छा, मटर यहाँ पे ले लिया हमने 1 पाव और 3 अदद आलू ले लिए थे, उसको कट कर लिया है, वो डाल दिया है इसके अंदर और मिक्स कर लेंगे। अच्छा, पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। पानी हम थोड़ी देर बाद डालेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद। तो 5 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर हमने पानी नहीं डाला था और बस इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तकरीबन 2 ग्लास के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और उबाल आने तक हम इसका वेट